हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एचटीएमएल लैंग्वेज पूरी की पूरी इसी वीडियो में समझा दूंगा। कौन कौन से टैग्स यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकल के साथ सब आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखकर। अगर आप 9th में हो तो भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि 9th एंड 10th के एचटीएमएल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपका 10th का सिलेबस 9th में ही कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एचटीएमएल क्या है। तो HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये ध्यान रखना। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML कैसी लैंग्वेज है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मींस हम कुछ कैरेक्टर्स को यूज करके क्या करेंगे, वेब पेजेस को डेवलप करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना इस बात को, HTML कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मींस होता है, देखो दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं, एक होता है लीनियर टेक्स्ट, ठीक है, और एक होता है हाइपर टेक्स्ट। तो लीनियर टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे मैं बुक का एग्जांपल दूं, तो बुक में आपको क्या होता है कि लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट पेज पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप फर्स्ट पेज पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली 24th पेज पर जंप कर जाओगे, ऐसा नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ता है खुद। ओके, लेकिन जो हाइपर टेक्स्ट मींस होता है उसमें लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आप इंटरनेट पर आप देखते हो, कोई डिफाइन आप पढ़ रहे हो तो उस डिफाइन में हो सकता है कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो एक लिंक हो, तो फिर जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करो तो उस वो जो वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है, जिसका जो लिंक क्रिएटेड था उस लिंक की डिफाइन खुल जाए, ऐसा होता है ना। विकिपीडिया पे आपने देखा होगा जिस वर्ड के ऊपर आप क्लिक करते हो वो वर्ड ओपन हो जाता है, फिर उसकी डिफाइन खुल जाती है। ओके, तो हाइपरटेक्स्ट का मींस होता है आप कहीं पर भी जंप कर सकते हो किसी भी पेज से किसी भी दूसरे पेज पर, लेकिन लीनियर टेक्स्ट उसमें जंप नहीं कर सकते हम। लीनियर टेक्स्ट का एग्जांपल बुक्स में आपको बता दिया। ओके, तो हाइपरटेक्स्ट समझ में आ गया, मार्कअप समझ में आ गया। अब एचटीएमएल क्या करता है? एचटीएमएल जो है वो हमारा जो वेब पेज है, जो हम इंटरनेट पर देखते हैं वेब पेजेस, उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। तो अभी हम सीखेंगे, ठीक है, तो अभी पहले ये बेसिक जानना जरूरी है। तो अब HTML में क्या होता है? HTML में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। कई सारे एलिमेंट्स होते हैं और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं टैग्स को यूज करके, अलग अलग टैग्स को यूज करके अलग अलग एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। क्लियर? तो ब्राउजर को भी बताते हैं कि किस तरीके से कंटेंट को डिस्प्ले करना है, ठीक है। HTML एलिमेंट्स का एक और काम क्या होता है कि ब्राउजर को बताते हैं कि कोई भी जो कंटेंट है उसे किस तरीके से डिस्प्ले किया जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो HTML टैग और HTML एलिमेंट, अक्सर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, HTML एलिमेंट और HTML टैग को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को मतलब सेम ही समझते हैं, पर इनके बीच एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो HTML टैग हो गया ये, ओके, जिसकी मदद से हम HTML एलिमेंट को बनाएंगे। तो ये है सिर्फ एक HTML टैग, सॉरी, ओके, तो ये हो गया HTML टैग और HTML एलिमेंट हो गया ये पूरा का पूरा। क्लियर? जिसमें टैग और टैग के बाद जो टैग का कंटेंट है, क्लियर, मतलब ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और टैग का कंटेंट, ये कहलाएगा पूरा का पूरा HTML एलिमेंट। क्लियर? अभी आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको खुद ब खुद ये चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो HTML टैग और एलिमेंट क्लियर हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या होता है? तो सभी ने वेब ब्राउजर यूज किया है। वेब ब्राउजर क्या करते हैं, जो HTML का जो वेब पेज है, जो डॉक्यूमेंट है HTML का, उसे डिस्प्ले करते हैं। जैसे क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया और सफारी हो गया, ये वेब ब्राउजर हम अक्सर यूज करते हैं। ओके, तो माई फर्स्ट वेब पेज, तो पहले मैं आपको एक वेब पेज का एग्जाम्पल देता हूँ, दिखाता हूँ कि वेब पेज कैसा होता है, हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमने बनाए हुए हैं, तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ये ऑलरेडी देखो HTML के फॉर्मेट में है। अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा, बस अभी पहले एक इंट्रो ले लो, देख लो कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसको नोटपैड में ओपन कर लिया, देखते रहना, ठीक है, क्या क्या कर रहा हूं मैं। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका। ओके, तो ये इस तरीके से HTML का हम कोडिंग करेंगे और सारी चीजें इसमें यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हो ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग,
ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे। तो ये वेब पेज है, ये मैंने क्या है पहले से बना के रखा हुआ है। अब इसका मैं आउटपुट देखता हूँ, देखो सिर्फ डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, तो देखो ये आउटपुट ओपन होकर आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने इतना सारा लिखा दिया इसमें, लेकिन आ तो सिर्फ इतना ही रहा है, तो यही चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ओके, तो पेज टाइटल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने टाइटल के अंदर मैं जो भी दूंगा, ओके, वो क्या होगा, आपका जो वेब पेज होगा ना उसका टाइटल बनकर आएगा इधर, देखो ये क्लियर। तो अब देखते हैं कि ये थोड़ा आपको आइडिया हो गया किस तरीके से हम काम करने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब ये है कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने देख लिया, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से एक बार विजुअलाइज करो। देखो तो HTML के स्ट्रक्चर बेसिक क्या था, जो अभी प्रोग्राम हमने देखा, ये HTML एलिमेंट है, ये हेड है, इसमें हेड के टैग्स आते हैं, जैसे टाइटल टैग आ गया, बॉडी। तो जितने भी जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है वो बॉडी टैग के अंदर किया जाता है, ठीक है ना, बॉडी टैग के अंदर। ये बॉडी टैग है, दिस इज ऑल्सो अ बॉडी टैग, ये टैग है, दिस इज अ टैग, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, क्लियर। दिस इज अ टैग, दिस इज अ टैग, बट ये पूरा का पूरा एक दूसरा एलिमेंट है, क्लियर हो गया। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, HTML टैग ओपन यहां पर, HTML टैग इधर क्लोज, समझ गए। दो तरीके के टैग होंगे, ठीक है, जो क्लो ओपन होंगे क्लोज होंगे, और एक दूसरे तरीके के आएंगे जो खाली ओपन होंगे, ठीक है, जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, वेब पेज भी आपने देख लिया कि किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से आउटपुट आएगा। ओके, तो अब देखो कि किस तरीके से हम कोई भी जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, सिंपल कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेना है। ले लिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको आप कोई भी नाम दे दो, मैंने इसको 123 नेम दे दिया है, समझ में आ गया। और कुछ नहीं करना, बाहर क्लिक कर दो, ये नोटपैड की फाइल आ गई, इसमें आपको जो कोडिंग करनी है वो कोडिंग आप कर दोगे, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, आपको ये दिखा देता हूं, देखो इसको ओपन कर लेते हैं पहले नोटपैड में, ताकि मैं कोडिंग कॉपी कर लूं। आपको ये अभी समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप HTML का डॉक्यूमेंट बनाओगे, ठीक है। तो इधर मैंने ये कोड लिख दिया, ओके, मेरे को बस इसको अब सेव कर देना है, ये आ गए। अब आपको मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ये ब्राउजर में तो ओपन हो ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये अभी खाली एक HTML की स्क्रिप्ट रेडी हुई है, HTML की कोडिंग है, अभी ये वेब ब्राउजर में ओपन नहीं होगी ताकि इसका आउटपुट देख सके हम। तो वेब ब्राउजर में ओपन करने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो आपने ये बना दिया, ओके, तो आपको क्या करना है, रिनेम करना है, लास्ट में जो इस फाइल का जो एक्सटेंशन है ना, TXT को हटा देना है और HTML लिख देना है, समझ में आ गई ये चीज कोडिंग लिखने के बाद। तो देखो अब ये बोल रहा है चेंज करने के लिए, बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना, यस कर देना है। तो आ गया 123 HTML, उसको मैंने ओपन किया डबल क्लिक करके, देखो ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया, जो भी आउटपुट आना था वो आ गया। अब इसी को वापस इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं, राइट क्लिक किया, ओपन विद नोटपैड में ओपन कर लिया। अब मान लो कुछ और लाइन लिख दी मैंने, एक और लाइन लिख दी मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर, जितने भी कंटेंट होगा वो बॉडी जो टैग है ना, ये देखो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाना है। तो मैंने यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दी। अब ध्यान रखना, कुछ भी चेंज कर रहे हो तो सेव करते जाना है, ठीक है। सेव कर दिया, इसे कर देते क्लोज, दोबारा ओपन करते हैं, देखो ये आगे लिखा हुआ एक एक्स्ट्रा एक और। तो ये चीज ध्यान रखना आप, ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर इसी चीज में गलती करते हैं। अब देखो मान लो बाई चांस यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, TXT लिखा हुआ है, यहाँ पे आकर आप अटक गए, इतने इस पे आके अटक गए आप, नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं करना है, इसे ओपन कर लो, फाइल पे जाओ, सेव एस करो, जहां पर भी आपको सेव करना है, यहाँ पे तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे आपको जो भी फाइल का नाम लिखा हुआ है वो लिख दो, लास्ट में .html लिख दो, समझ में आ गया, .html लिख दो, और जहां पे कहां पर सेव कर रहे हो, डेस्कटॉप पे कर रहे हो, डाउनलोड्स में, जहां पर भी आप सेव कर रहे हो वो ध्यान रखो। तो मैं मान लो डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे 123, और लास्ट में मैंने क्या जोड़ दिया, .html। अब मैंने इसको कर दिया है सेव। अब देखो इसे मैं क्लोज कर दिया, ये वाली फाइल यहीं की यही है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन
जो HTML जो मैंने बनाई थी 123.html, देखो ये वाली फाइल आ गई, ये मैंने ओपन किया, ये बन गई। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से, और आप नाम चेंज कर सकते हो। अब इसमें और चेंजेस करने हैं तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर, ओपन विथ नोट पैड, अब चेंज कर लो। चेंज करने के बाद सेव कर दो। तो ये बेसिक चीजें समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से HTML के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है और उसे सेव करना है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी वेब पेज को वेब ब्राउजर के थ्रू किस तरीके से एक्सेस करना है ये मैं बता चुका हूं। कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट है डबल क्लिक कर दो, वो वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। बस उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन लास्ट में .html होना चाहिए। क्लियर? एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है, कोई भी जो फाइल होती है वो किस टाइप की है वो उसके एक्सटेंशन से पता चलती है। जैसे ये देखो, ये सॉन्ग है, ये रहा, ये सॉन्ग है पाठशाला .mp3, तो mp3 देखकर पता चल रहा है कि हाँ ये सॉन्ग है। अब देखो ये पाइथन .mp4, mp4 एक्सटेंशन है, इसको एक्सटेंशन को देखकर पता चल रहा है कि ये एक वीडियो है। क्लियर? तो ये भी समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां से हमारी जो है लैंग्वेज स्टार्ट होती है। थोड़ा बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा, आइडिया होगा होगा कि अब तक ये हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। सारे टेक्स्ट कवर कर दूंगा, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके स्टूडेंट्स, तो HTML टैग्स, टैग्स क्या होते हैं देखो मैं आपको बता चुका हूं। टैग्स क्या करते हैं, HTML का जो स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी टैग है उसके बीच में आता है कंटेंट। ओके, तो पहले टैग को हम स्टार्ट टैग या ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं, और जो लास्ट वाला है उसे एंड टैग और क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो मैं बताया था कि दो तरीके के टैग आएंगे, एक तो जो क्लोज हो रहे होंगे और एक जो खाली ओपन होंगे, क्लोज नहीं होंगे। क्लियर? तो जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंटेनर टैग। ठीक है, कंटेनर टैग कहते हैं जिनके बीच में डेटा आता है कुछ ना कुछ। इतना क्लियर हो गया? कंटेनर टैग कौन से होते हैं, जो ओपन भी होते हैं और इस तरीके से स्लैश लगाकर क्लोज भी होते हैं, नाम सेम रहता है। ओके, क्लोज भी होते हैं और उनके बीच में कुछ ना कुछ कंटेंट आता है। लेकिन जो एम्प्टी टैग होते हैं, देखो एम्प्टी टैग स्टैंड अलोन होते हैं, इनके बीच में कोई भी कंटेंट नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ये अकेले काम करते हैं। आगे आएगा एग्जाम्पल, सीख जाओगे। ओके, तो कंटेनर टैग के एग्जाम्पल देख लो, जैसे HTML टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया। ओके, और एम्प्टी टैग खाली br हो गया, hr हो गया, ये एग्जाम्पल हो गए एम्प्टी टैग्स के। अब देखो सबसे पहले आता हैड टैग। तो ये तो आपको पता है कोई भी HTML डॉक्यूमेंट है वो कैसे स्टार्ट होता है, HTML से स्टार्ट होगा, HTML से क्लोज होगा। इतना क्लियर है आपको? मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं, इस फाइल को वापस ओपन कर लेते हम नोट पैड में। कोई भी टैग है वो HTML से स्टार्ट होगा, HTML पर क्लोज होगा। कोई भी टैग मीन्स आई मीन कोई भी HTML का प्रोग्राम, HTML से स्टार्ट करना है, HTML से क्लोज करना है। इतना क्लियर हो गया? अब HTML के बाद क्या आता हैड टैग, मतलब जितनी भी हेडिंग इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती हैड टैग के अंदर। तो हैड टैग में हम क्या लगाएंगे, टाइटल टैग लगाएंगे। क्लियर? हैड टैग के अंदर क्या लगाएंगे, टाइटल टैग। अब एक चीज और देख लो, हैड टैग में जैसे स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट या अदर लैंग्वेजेस भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल और अलग और इंफॉर्मेशन कुछ है तो वो भी हम हेड टैग में दे सकते हैं। तो ये काफी आगे की चीजें हो गई। लेकिन एक चीज और है कि जो आपका जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उसमें 10th क्लास में CSS भी है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, द टॉपर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो CSS की वीडियो डालूंगा मैं, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और भी एजुकेशनल जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के लिए वो भी आपको मिलते रहे। ओके, तो हैड टैग में समझ में आ गया आपको, हम और भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सब अभी तो आपका जो सिलेबस है उसमें अभी हम सिर्फ हैड टैग के अंदर टाइटल टैग ही ऐड करेंगे। ओके, तो ये देखो हेड टैग यहाँ पे ओपन हुआ है, इधर हेड टैग क्लोज हुआ है। अब आप ये देख पा रहे हो हेड टैग यहाँ पे क्या हुआ है, हेड
हेड टैग के अंदर टाइटल टैग मैंने ऐड कर दिया है। ओके तो टाइटल मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी आप टाइटल दोगे वो टाइटल कहाँ पे आता है, ब्राउजर के सबसे ऊपर। जैसे ये देखो क्लिक किया इसी फाइल के ऊपर, ये आ गया पेज टाइटल लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ तो देखना चेंजेस उधर भी लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे मैं इधर लिखता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज, ओके अब इसको सेव कर देता हूँ। ऑलरेडी ये .html के फॉर्मेट में है ही, मेरे को कुछ नहीं करना, ये वाली फाइल है इसे देख लेना। देखो माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ गया, इधर चेंज हो गया तो टाइटल में समझ में आ गया पेज का टाइटल। हेड टैग टाइटल टैग क्लियर हो गए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट बॉडी टैग। तो बॉडी टैग क्या करता है, कोई भी जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी को डिफाइन करता है, मतलब पूरा जो पेज का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया जाता है बॉडी टैग के अंदर। क्लियर, तो जितने भी HTML के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे बॉडी के अंदर आएंगे। क्लियर, जैसे कोई भी टेक्स्ट हो गया, लिंक क्रिएट करोगे, टेबल्स, इमेजेस, मतलब मोस्टली सारी चीजें, 99% सारी चीजें आएंगी बॉडी टैग के अंदर ही लिखी जाएंगी। क्लियर, तो बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो पहले ये देख लो टैग और एट्रीब्यूट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो एक तो होता है टैग, अब वो टैग किस तरीके से बिहेव करेगा, क्लियर, वो डिफाइन करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। अगर एट्रीब्यूट्स नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो टैग का जो बिहेवियर है वो वही रहेगा, लेकिन एट्रीब्यूट्स लगा देंगे तो उस टैग का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मैं देता हूं आपको एग्जांपल इसका। ओके तो बॉडी टैग है, उसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एक टेक्स्ट हो गया, एक बैकग्राउंड हो गया, एक बीजी कलर हो गया। अब देखते हैं इसका एग्जांपल हम, तो ये माय फर्स्ट वेब पेज, ये क्लियर हो गया आपको। अब ये बॉडी टैग का प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इसे ओपन करते हैं हम नोट पैड में, प्रोग्राम समझा देता हूं। देखो अब नॉर्मल आपने देखा था लास्ट प्रोग्राम में क्या हो रहा था, ये जो है कुछ भी चेंजेस कुछ नहीं आ रहा था इधर, है ना, नॉर्मल आ रहा था, बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ था ये सब मैंने। देखो ओपन विथ नोट पैड, बॉडी टैग के अंदर ही तो लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेब पेज, माय फर्स्ट हेडिंग, इस तरीके से, लेकिन कुछ भी जो है चेंजेस नहीं आ रहे। लेकिन अब मैंने क्या चेंजेस किए हैं, देखो बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट के एक एट्रीब्यूट दे दिया है, एक बैकग्राउंड दे दिया है और एक दे दिया बीजी कलर। अब भाई ये तीन जो एट्रीब्यूट हैं, ये देखो स्ट्रक्चर देख लो, बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक मत कर देना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं, देखो ये ऐसे लगा दिया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया, फिर से एक और ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, तो ये मत कर देना भाई। जो एट्रीब्यूट होते हैं वो पूरे के पूरे टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं एक गैप देकर। ये बॉडी टैग का ये ब्रैकेट ये यहाँ पर है और बॉडी टैग का एक ब्रैकेट ये रहा, इनके बीच में कोई और ब्रैकेट नहीं है। ओके तो एट्रीब्यूट्स देखो, टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या दिया है, टेक्स्ट देखो बाय डिफॉल्ट जो है बॉडी टैग के अंदर जो भी आप लिखोगे इधर बॉडी जो एलिमेंट है वो ब्लैक में आता है आउटपुट में, लेकिन टेक्स्ट एट्रीब्यूट अगर आपने दे दिया है तो जो भी बॉडी टैग के अंदर आप लिखोगे वो जो भी कलर आप यहां पर दोगे उस कलर में आएगा। क्लियर, उसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या करता है, आप जो भी इमेज यहां पर दोगे वो इमेज क्या होगी, अभी देखो कुछ आ रहा है बैकग्राउंड में, खाली व्हाइट आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई इमेज दोगे वो इमेज बैकग्राउंड में आ जाएगी। उसके बाद बीजी कलर दे सकते हो बैकग्राउंड कलर, अगर इमेज नहीं देना चाह रहे हो तो बीजी कलर दे सकते हो, ठीक है, तो जो भी बीजी कलर दोगे वो आ जाएगा। तो अभी मैं इमेज देकर दिखाता हूँ आपको, इमेज बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दिया है और टेक्स्ट एट्रीब्यूट दिया है, अब लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ओके तो इसको कर लेते हैं सेव और कराते हैं रन, बॉडी टैग एंड एट्रीब्यूट्स। तो देखो बैकग्राउंड में इमेज आ गई आर्किटेक्चर वाली और ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। ओके तो अब आप ये देखो कि इमेज कहां पर सेव होनी चाहिए, भाई हमने इमेज का नाम दे दिया, प्रोग्राम को कैसे पता चल गया कौन सी इमेज है, कहां से आई है, क्या है, तो इतना ध्यान रखना आपका जिस फोल्डर के अंदर प्रोग्राम है, ये वाली फाइल है HTML की, उसी फोल्डर के अंदर जो इमेज है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस इमेज को लेना है, आर्किटेक्चर जो इमेज है वो लेना है और उस इमेज का एक्सटेंशन ले लेना है,
.jpg, समझ में आ गया। और कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड के पास इधर कोट्स के अंदर, डबल कोट्स ये जो लगे हुए हैं इनके अंदर इमेज का नाम और डॉट एक्सटेंशन लगा देना है बस। तो टेक्स्ट समझ में आ गया आपको, बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब देख लो बीजी कलर, तो बीजी कलर क्या करता है, जैसे बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं चाहिए आपको तो आप बैकग्राउंड के जो बाय डिफॉल्ट वाइट वाइट कलर होता है ना, तो आप कोई भी कलर दे सकते हो। तो बीजी कलर लिखना है इस एट्रीब्यूट के बाद गैप देकर एक, बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, जो कलर दोगे वो आ जाएगा। क्लियर? तो फिर से सेव कर देना है इसको, इसको कर देते हैं सेव। अब वापस आते हैं हम फाइल पर, डबल क्लिक किया, ओपन हो गई। देखो बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, रेड, और टेक्स्ट आ रहा है ग्रीन में। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया आपको बॉडी कलर, बॉडी टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट देने हैं, कैसे देने हैं। तो देखो या तो बॉडी टैग के अंदर आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दे दो, ठीक है, या फिर बीजी कलर दे दो, दोनों दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड क्या करेगा पूरी की पूरी इमेज दे देगा, बीजी कलर क्या करेगा पूरा का पूरा कलर दे देगा। तो आपको ये देखना है आपको कलर देना है या इमेज देनी है, तो कोई एक एट्रीब्यूट यूज करना है, दोनों यूज करने का मतलब नहीं है। क्लियर? बॉडी टैग क्लियर। अब आते हैं ब्रेक टैग पर। तो ब्रेक टैग कैसा टैग है, ये एम्प्टी टैग है, मतलब ये ओपन तो होता है बट ये जो टैग है वो क्लोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रेक टैग के पास कोई भी कंटेंट होता ही नहीं है रखने के लिए, जैसे बॉडी टैग के अंदर कितना सारा कंटेंट था, ठीक है। तो ब्रेक टैग क्या करता है, एक लाइन ब्रेक करता है, मतलब एंटर का काम करता है। ओके, अभी एग्जांपल देके बताता हूं आपको। ओके, तो ब्रेक टैग कब यूजफुल है, जब आप कई सारी लाइंस में काम कर रहे हो, जैसे पोएम्स होता ना अलग अलग लाइंस में होती है, तो आप यूज कर सकते हो ब्रेक टैग। तो ज्यादातर हमारे हर प्रोग्राम में ब्रेक टैग का यूज होगा, और ध्यान रखना ब्रेक टैग का यूज लाइन ब्रेक के लिए ही यूज करना है, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तभी यूज करना है। देखो एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये बॉडी टैग का प्रोग्राम बना हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड में, तभी तो चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज चेंज ही नहीं कर पाएंगे हम। अब देखो यहां पर मैं बीजी कलर वाला एट्रीब्यूट हटा देता हूं, टेक्स्ट का कलर पड़े रहने देता हूं। अब देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहां पर भी मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूं, दो हेलो वर्ल्ड लिखे हुए हैं, ओके, अलग अलग लाइन में लिखे हुए हैं, ये चीज ध्यान देना आप। अब इसका आउटपुट दिखाता हूं आपको, सबसे पहले ये प्रोग्राम था, इसे ओपन किया, देखो दोनों हेलो वर्ल्ड मैंने अलग अलग लाइन में लिखे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंटर हम अपने कीबोर्ड से दबाते हैं वो HTML समझता ही नहीं है। क्लियर? या अलग अलग लाइन में तो लिखे हुए हेलो वर्ल्ड, लेकिन फिर भी जो है नहीं आ रहा है वहां पे अलग अलग लाइन में। तो हमें अलग अलग लाइंस में कुछ लिखना है, मतलब लाइन ब्रेक करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारा पोएम लिखनी है हमें कोई, तो हमारा गलत आउटपुट आएगा ना, हमने तो नोटपैड में लिख दिया अलग अलग लाइन में इस तरीके से, लेकिन ये सारा आएगा एक ही लाइन में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ब्रेक टैग का यूज करते हैं, जैसे ये हो गया पहली लाइन, अब दूसरी लाइन में आना है, तो भाई इतना आप ध्यान रखो कि जब दूसरी लाइन में आते हैं तो हम यहां पर आकर इस पोजीशन पर आकर एंटर दबाते हैं ना, तो एंटर तो समझता ही नहीं है HTML ब्राउजर। तो क्या होगा, यहां पर हमें एंटर नहीं दबाना है, सिर्फ लिख देना है BR। क्लियर? तो BR का मतलब है जैसे प्रोग्राम चलकर आया, इतना प्रिंट कर दिया, यहां पर आया तो उसने देखा BR टैग है, तो ठीक है लाइन ब्रेक कर दी उसने, फिर नेक्स्ट जो भी है वो यहां से लिखा जाएगा आउटपुट में। अब इसको कर देते हैं सेव, अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, आ गया अलग अलग लाइन में, ये चीज क्लियर हो गई कि BR टैग का यूज किया है। अब यहां पे मैंने देखो कुछ और लिखा, एक और बार कुछ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, अब देखो अब क्या आउटपुट आता है, रन कराते हैं इसको, जहां पर BR टैग दिया था वहां से तो नीचे लाइन आ गई, लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन इसके बाद नहीं हुई है। तो इतना ध्यान रखना है, जब जब आपको लाइन ब्रेक करनी है तब तब BR लगाना है, जब जब दूसरी लाइन में आना है तब तब BR लगाना है, इस चीज को नोट कर लो। अब देखो मैंने BR लिख दिया, रन किया, देखो आ गया तीन लाइनों में, तो ये चीज क्लियर हो गई BR टैग कब यूज करना है आपको। तो अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल टैग, ये स्टैंड अलोन टैग होता है, मतलब इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, आपको जैसे कोई लाइन खींचनी है अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन वन खत्म हो गया, उसके बाद एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से सेक्शंस बनाने हैं अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट में। तो हॉरिजॉन्टल रूल आप इंसर्ट कर सकते हो एचआर टैग को यूज करके। तो इसके चार एट्रीब्यूट्स हैं, अलाइन विद साइज और कलर। आपका जो रूल है वो किस तरफ आएगा, लेफ्ट में आएगा, सेंटर में आएगा, राइट में आएगा, ये डिसाइड करता है। अलाइन विद एट्रीब्यूट जो है वो डिसाइड करता है कि आपका जो टैग है उसकी जो चौड़ाई कितनी होगी, मतलब आपका जो रूल है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। साइज जो है वो हाइट को डिसाइड करता है। कलर डिसाइड करता है आपके हॉरिजॉन्टल रूल के कलर को। इतना क्लियर हो गया, ये चारों एट्रीब्यूट्स हैं एचआर टैग के। तो अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये एचआर टैग का प्रोग्राम है, सो ओपन कर लेते हैं। अब देखो ये पूरा प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। हेडिंग एचआर टैग, मतलब टाइटल एचआर टैग दे दिया मैंने, बॉडी, और मैंने ये लाइन लिखी हुई है। तो पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं। ओके, ये दूसरी लाइन है और बीच में लिखा हुआ है एचआर टैग, ये दिख रहा होगा, ये कहीं पर भी क्लोज नहीं हो रहा है। तो देखो इसका आउटपुट देखो, पहले एचआर टैग को ओपन किया हमने, तो देखो द टॉपर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रूल है वो आ रहा है, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है सेकेंड लाइन। क्लियर? तो इन दोनों लाइंस के बीच में मैंने इंसर्ट किया था। तो देखो अलाइन में क्या करा, सेंटर में दे रहा है, ठीक है। तो अलाइन को बाद में समझाऊंगा, पहले विद देखो, विद मैंने 100% दी हुई है, तो जो लाइन है वो पूरे 100% पूरे इस पर आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं, इसको मैं दे दूं 50%, ठीक है, और इसको कर देता हूं मैं सेव, फिर इसको रिलोड करते हैं। तो देखो पेज के 50% पर आ रहा है, ठीक है, और वो भी कहां पे, सेंटर में। क्लियर? सेंटर दिया हुआ है तो सेंटर में आ रहा है, और 50% पेज घेर रहा है, 25% यहां से छोड़ा हुआ है, 25% यहां से छोड़ा हुआ है इसने। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसको सेंटर की अलाइन, मैंने सेंटर दे रखा था ना, अब मैं लेफ्ट कर देता हूं और इसको कर देता हूं मैं सेव। अब वो ऑलरेडी ओपन तो है, इसे बस रिलोड कर लेते हैं। तो देखो 50% इसने लेफ्ट में घेर रखा है, 50% यहां से राइट साइड से छोड़ दिया उसने। क्लियर? तो विद का यूज आपको समझ में आएगा कि कितने परसेंट जगह घेरेगा वो। तो इसे परसेंट में वैल्यू देना, अगर नंबर्स में दोगे तो जो आउटपुट आएगा वो कभी कभी अनप्रडिक्टेबल हो सकता है, तो विद हमेशा परसेंट में देना। साइज, साइज मैंने बताया था ना, साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, जो हॉरिजॉन्टल रूल है उसकी हाइट को डिसाइड करता है। तो मैंने यहां पे 10 दे रखा है, तो देखो 10 आपने देख लिया था साइज क्या आ रहा था 10 पर। अब मैं 5 दे देता हूं, तो 10 पर देखो इतना आ रहा है, 5 पर इतना पतला हो गया, तो हाइट कम हो गई इसकी। तो ये चीज क्लियर हो गई, साइज एट्रीब्यूट क्या करता है। विद भी क्लियर हो गया, अलाइन भी क्लियर हो गया। कलर रेड, कलर आप कुछ भी दे सकते हो, यहां पे ग्रीन कलर दे दिया। ओके, इसको सेव कर देते हैं। जब जितनी बार आप चेंज करोगे उतनी बार सेव करना है। तो देखो ये ग्रीन कलर का हो गया। तो एचआर टैग का यूज आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। और ये भी ध्यान रखना, ये एक एम्प्टी टैग है। क्लियर? एम्प्टी टैग मींस कोई भी कंटेंट इसके अंदर नहीं है। देख लो ये भाई, ये अलग अपना है, क्या इसके बाद कोई कंटेंट लिखा हुआ है? जैसे देखो टाइटल टैग के बीच में लिखा हुआ है कंटेंट, हेड टैग के बीच में ये पूरा लिखा हुआ है। ओके, बॉडी टैग के बीच में ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। तो एचआर टैग के लिए कोई भी कंटेंट नहीं है ना, ये स्टैंड अलोन है, ये अपना अलग काम करता है। तो एचआर टैग क्लियर हो गया। ओके, तो अब देखते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स का क्या यूज है? तो जो कमेंट्स होते हैं, जैसे कभी कभी हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में हमें मान लो कुछ रिमाइंडर्स प्लेस करने हैं। रिमाइंडर्स मीन्स जैसे कोई ऐसी चीज ऐड करनी है, जब हम बाद में उस प्रोग्राम को देखें तो हमें याद आ जाए कि अब हमें इसमें ये चेंज करना है। तो रिमाइंडर जो होते हैं वो HTML क्या करता है, ब्राउजर मतलब इग्नोर कर देता है। ओके, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, उसको आउटपुट में शो नहीं करता। देखो एग्जाम्पल देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कमेंट्स, ये रहे कमेंट्स, इसको ओपन कर लेते हैं हम नोट पैड में। अब ये ध्यान से देखो, ये कमेंट बना हुआ है बॉडी टैग के अंदर, ये लाइन लिखी हुई है और ये कमेंट बना हुआ है। तो कमेंट का क्या होता है, इग्नोर किया जाता है, और जो अलग है वो तो शो होगा ही। तो मतलब जिसको अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है HTML ट्यूटोरियल बाय गौरव सर, सिर्फ यही ब्राउजर में शो होगा, ऊपर की लाइन शो नहीं होगी, नीचे की लाइन शो नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब इसको करते हैं रन, ये रहे कमेंट्स। अब देखो खाली यही शो हुआ है HTML ट्यूटोरियल बाय गौरव सर, और कुछ भी शो नहीं हुआ है। तो
तो ये चीज क्लियर होगी कमेंट्स में। कमेंट्स में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ओके एनीथिंग, वो शो नहीं होगा। जैसे आप मान लो कोई फाइल बनाई है, मान लो आपने, तो आपको कोई नाम चेंज करना है, मेरे को मान लो फ्यूचर में मेरे को नाम चेंज करना है कि यूज पाइथन, इस तरीके से कुछ चेंज करना, कुछ भी चेंज करना हो, ठीक है। इन बॉडी, बॉडी की स्पेलिंग गलत हो गई, BODY, तो इस तरीके से कुछ चेंज करना है कि HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है और आगे फ्यूचर में मुझे पाइथन लिखना है, मैं कभी इस प्रोग्राम को मान लो ओपन करूंगा तो मुझे ध्यान आ जाएगा कि हाँ मेरे को अब HTML नहीं करना था, अब इसमें मुझे पाइथन करना है, क्लियर, तो मैं चेंज कर दूंगा, क्लियर। अब मैं इसको दोबारा से चेक करूंगा, तो देखो पाइथन ट्यूटोरियल आ गया गौरव सर, ओके। तो कमेंट्स का यूज समझ में आ गया, एक रिमाइंडर की तरह होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग मींस 6 हेडिंग टैग्स हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये कैसे टैग्स हैं? ये कंटेनर टैग्स हैं, ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो हेडिंग टैग्स क्या करते हैं, जो HTML में अगर आप कोई हेडिंग देना चाहते हो तो वो हेडिंग टैग्स में आप दे सकते हो, क्लियर। कुछ भी आप डिफाइन लिख रहे हो, कुछ भी टॉपिक लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, हेडिंग देनी है तो हेडिंग टैग्स का यूज कर सकते हो। इतना ध्यान रखना, सबसे बड़ी हेडिंग H1 में, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, फिर H4, फिर H5, H6। मतलब सबसे बड़ी हेडिंग आएगी H1 में, सबसे छोटी आएगी H6 में, क्लियर। साइज की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा साइज H1 का है, सबसे छोटा H6 का है। देखो अब इसका देखते हैं प्रोग्राम, हेडिंग टैग्स, ये रहे हेडिंग टैग्स, ओपन कर लेते हैं इसको। देखो अब मैंने लिखा हुआ है हेडिंग टैग्स लिखा हुआ है, और H1 में मैंने क्या दिया हुआ है, एक हेडिंग दी है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है H1 के अंदर और ये नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इनके बीच कंपैरिजन देखना कि किस तरीके से आता है। देखो हेडिंग टैग इतना बड़ा आ गया, नॉर्मल टेक्स्ट ऐसा आ रहा है। मान लो ये जो सेलेक्ट किया हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट, ये किसी की डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन की हेडिंग है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो इसको मैं H3 में लिख देता हूं, और H3 को इधर क्लोज कर देता हूं, ओके। तो इसको सेव करके रन कराते हैं, ऑलरेडी ओपन है, रिलोड कर लेते हैं बस। तो देखो ये H1 वही के वही है, लेकिन जो नॉर्मल टेक्स्ट था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये हेडिंग टेक्स्ट के इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है, मतलब H3 के इन्फ्लुएंस में आ चुका है ये। तो हेडिंग टेक्स्ट क्लियर हो गए आपको, ज्यादा टफ नहीं है HTML, आपको दिख रहा होगा बहुत इजी है, बड़े इजी से समझ में आ रहा होगा आपको। कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है आपको, ओके। पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ टैग का यूज क्या है, हमें कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश में कोई वर्क करते हो या कोई ऐसे लिख रहे हो तो उसमें पैराग्राफ आते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर अलग अलग पैराग्राफ्स में वर्क हो रहा है तो उन्हें हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे, क्लियर। तो पैराग्राफ टैग के लिए ब्राउजर्स क्या करते हैं, ब्राउजर्स जो भी पैराग्राफ है, मान लो ये ऐसे पैराग्राफ टैग इधर लिखा हुआ है और आपने मान लो ये 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं और यहां पे पैराग्राफ टैग क्लोज है, तो ब्राउजर क्या करेगा, पैराग्राफ टैग के ऊपर और पैराग्राफ टैग जहां पे खत्म हो रहा है उसके नीचे, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह एक एक लाइन छोड़ देगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, पर उससे पहले ये देख लो, पैराग्राफ टैग का एक एट्रीब्यूट भी है जो पैराग्राफ टैग के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, उस एट्रीब्यूट को आप 3 वैल्यू दे सकते हो, लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो या सेंटर दे सकते हो, ठीक है। मतलब आपका पैराग्राफ किस तरफ अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में। अब इसका एग्जांपल देखो आप, ये रहा पैराग्राफ टैग, इसको ओपन कर लेते हैं पहले नोटपैड में, आपको प्रोग्राम लिखा, पहले आउटपुट देखो। तो देखो ये ऊपर एक लिखा हुआ है ये सेंटर में, और फिर ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। अगर ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसका साइज बड़ा कर देता हूं मैं, अभी फॉन्ट टैग आएगा तो उसमें साइज बड़ा करना भी सीखोगे ऑटोमेटिकली आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैंने क्या करा हुआ है, राइट क्लिक किया, ओपन कर लिया इसको नोटपैड में। देखो HTML है टाइटल। अब आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप पूरी की पूरी जो आपके HTML कोडिंग है ना वो आप एक ही लाइन में लिख डालोगे ना तो भी गलत नहीं होगा, क्लियर। जैसे अभी नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिख दिया, ओके इसी तरीके से तो लिखते हैं हम, तो
मैंने क्या बोला, एक ही लाइन में लिख डालोगे तो भी गलत नहीं होगा, ऐसे लिखो चाहे इस तरीके से लिखो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज मैं बता चुका हूं कि जो एंटर है वो रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता है। एंटर को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, बी आर टैग का यूज करते हैं, याद है ना। तो अब देखो बॉडी के अंदर मैंने तीन लाइनें लिखी हुई हैं, तो पहली लाइन में ये देखो आप पैराग्राफ, इसको मैंने एक पैराग्राफ बना दिया है और इसको मैंने अलाइनमेंट दिया हुआ है सेंटर का, पैराग्राफ टैग के अंदर लगाया हुआ है ये, क्लियर। तो इसके पहले एक लाइन छूट जाएगी, बेशक मैं छोड़ू या ना छोड़ू, और बाद में एक लाइन छूट जाएगी। अब जस्ट देखो उसके अगले वाली लाइन में ही मैंने HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, अब बी आर टैग लगाया नहीं है, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग बिना बी आर टैग के ये दोनों ही लाइंस, मतलब आ पैराग्राफ और HTML ट्यूटोरियल बाय गौरव सर, ये दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए थे ना, ओके। लेकिन नहीं आए, क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है ऊपर वाला, तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने क्या करा है, जैसे ही ये फिनिश हुआ ना इसके बाद एक लाइन छोड़ दी है, क्लियर हो गया। अब ये हो गया, ओके। अब इसके बाद अब एक और लॉजिक देखो, ये लाइन हो गई, अब द टॉपर्स हो गया, ये भी अलग अलग लाइन में आ रहे हैं दोनों, क्यों? क्योंकि जो पैराग्राफ टैग है वो क्या करता है, जहां पर आपने पैराग्राफ टैग लगाया है उसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ता है, नीचे भी एक लाइन छोड़ेगा। तो इसने क्या करा है, जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है द टॉपर्स, इसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ दी है, समझ में आ गया ये चीज। अब अगर मैं यहां पे लिखूं, जैसे देखो ट्यूटोरियल लिखा मैंने, ओके। तो अब देखो अब पता है क्या होगा, ये अलग लाइन में आएगा, अब इसके नीचे एक लाइन छूट जाएगी, ये आ जाएगा, लेकिन ये जो ट्यूटोरियल है ये इसी लाइन में आएगा, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं है ना, ये पैराग्राफ टैग ओपन, इसका काम यहां पे क्लोज, ये यहां पे ओपन, ये यहां पे क्लोज, ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे। देखो सेव करके रन करते हैं, आगे ट्यूटोरियल इसी लाइन में। तो अब इनको अलग अलग लाइन में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी आर टैग लगाना पड़ेगा। तो बी आर टैग और पैराग्राफ टैग का जो मतलब है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया आपको। बी आर टैग लगाया, इसको रन कराया, देखो आ गया अलग अलग लाइन में, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो पैराग्राफ टैग अच्छे से आ गया, इसका एक एट्रीब्यूट है अलाइन, जिसको आप लेफ्ट दे सकते हो, राइट दे सकते हो, सेंटर दे सकते हो, तो सेंटर वैल्यू दी थी, तो देखो कहां पे आ रहा है, सेंटर में, और इधर देखो लेफ्ट और राइट वैल्यू देते हैं हम, ठीक है। तो मैं इसको पहले अभी देता हूं राइट वैल्यू, ओके। तो ये आ जाएगा राइट साइड में, इसको करते हैं रन, देखो राइट साइड में आ गया। अब इसको देते हैं लेफ्ट वैल्यू, LEFT, इसको कर देते हैं कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव, और करते हैं रन, देखो ये लेफ्ट में आ गया, ओके। अब अगर मैं कुछ भी अलाइनमेंट ना दूं, तो देखो द टॉपर्स को मैंने कुछ भी अलाइनमेंट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहेगा अलाइनमेंट, ओके। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये टैग क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है उसे बोल्ड में कर देते हैं, इटैलिक्स में कर देते हैं, अंडरलाइन में कर देते हैं। देखो तो अब इसका प्रोग्राम देखो, बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइंस का, को ओपन करते हैं नोट पैड में। बोल्ड के लिए बी इस तरीके से लिखना है, इटैलिक के लिए इस तरीके से लिखना है, और अंडरलाइन के लिए इस तरीके से लिखना है, ओके। तो जो मैंने इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट इज बोल्ड, वो बोल्ड में आ जाएगा, जो इटैलिक में लिखा हुआ है वो इटैलिक में आ जाएगा, जो अंडरलाइन में लिखा हुआ है वो अंडरलाइन में। ये लिखा हुआ है पूरा, ये ऊपर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो लिखना ही लिखना होता है, हमें बॉडी के अंदर सारी चीजें लिख रहे हैं हम, ये चीज आपने नोटिस कर ली होगी अभी तक। अब इसको करते हैं रन, सेव कर लिया, इसको कराते हैं रन। ये पिछला प्रोग्राम ओपन था, अब हमें ओपन करना पड़ेगा ये वाला। अब तो देखो बोल्ड, ये इटैलिक एंड दिस इज अंडरलाइन, अब ये एक ही लाइन में आया है, अलग अलग लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भाई जहां पर भी लाइन छोड़नी है, जहां पर लाइन ब्रेक करनी है, वहां पर बी आर लगाना पड़ेगा, तभी तो आएगा अलग अलग लाइन में, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा सारा डेटा, क्योंकि एंटर तो रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता है जो हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं इधर। तो बी आर लगा दिए ऊपर की दो लाइनों में, कराते हैं अब इसको रन, तो देखो तीनों अलग अलग लाइंस में आ गए, कोई कंफ्यूजन, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लिस्ट। तो लिस्ट जो है हमारी, तीन टाइप की लिस्ट आएंगी, पहली है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट।
तो इनमें क्या होगा, पहले देखते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, इसमें कोई भी जो आइटम्स होंगे उसमें नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है। और इसका एट्रीब्यूट ध्यान रखना, टाइप एट्रीब्यूट दे सकते हो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में, और इनमें से कोई भी एक वैल्यू दे सकते हो, डिस्क दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो, सर्कल दे सकते हो। तो पहले इसका आउटपुट देखो आप, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का आप आउटपुट देखो, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा प्रोग्राम, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो तो ये क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हेडिंग हो गई बेवरेज और तीन ये आइटम्स हो गए, इस तरीके से लिस्ट बनानी है। तो भाई ये कोई एमएस वर्ड तो है नहीं कि हम इजीली कुछ भी लिख दिया और बुलेट बुलेट सेलेक्ट कर लिए तो लिस्ट बन के आ गई, तो ऐसा तो होता नहीं है। बुलेट का फंक्शन है ये एचटीएमएल में नहीं है, हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो अब देखो अब क्या करा है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए ओपन किया मैंने इसे नोटपैड में, इसकी कोडिंग समझो आप। एचटीएमएल हेड टाइटल ये लिख दिया पूरा, बॉडी बेवरेज हेडिंग थी तो मैंने H4 हेडिंग इसमें हेडिंग टैग में दे दिया है H4 नाम के में। अब अनऑर्डर लिस्ट देखो, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई यूएल से। अब यूएल ने क्या करा भाई, प्रोग्राम को बता दिया कि यहां से अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई है, ये है अनऑर्डर लिस्ट। ये बेवरेजेस तो लिस्ट के बाहर लिखा हुआ है, समझ में आ गए, बेवरेजेस जो है वो लिस्ट के बाहर लिखा हुआ है। अब अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई, अब जितने आइटम्स हैं उन्हें हमको एल आई करके लिखते जाना है, क्लियर। एल आई कॉफी, एल आई टी, एल आई मिल्क, और यहां पे कर देनी है अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज। ये चीज क्लियर हो गई, आउटपुट आप देख रहे हो इसका। एक और आइटम ऐड करना है, कुछ नहीं, नीचे आओ लिख दो एक और आइटम को, एक और बेवरेजेस जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, मिल्क हो गया, अब लिख देते हैं हम जूस, और यहां पर इसको कर देते हैं क्लोज। ये फॉर्मेट को देख लो अच्छे से, सेव कर दिया इसको हमने। अब इसको कराया रन, देखो चौथा आइटम भी आ गया यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का मैंने आपको एक एट्रीब्यूट और बताया था, तो टाइप एट्रीब्यूट आप दे सकते हो टी वाई पीई, अनऑर्डर लिस्ट में ऊपर देख लो कहाँ पे देना है। इसको वैल्यू दे दी हमने क्या, स्क्वायर। अब आउटपुट देखो, इसको कराया रन, अब देखो जो सर्कल बने हुए आ रहे थे वो स्क्वायर में चेंज हो गए। तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, कोई भी नंबरिंग नहीं होती है, अनऑर्डर लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो मैं एक और चीज कर सकता हूं, मैं ये जो लिस्ट के आइटम्स हैं मैं चाहता हूं ये सारे बोल्ड में आए, तो मैं इनको बोल्ड में कर सकता हूं, ओके। ये इधर बोल्ड कर दिया, बोल्ड यहां पे क्लोज कर दिया, मैं चाहता हूं खाली पहला वाला ही आए बोल्ड में। आप चाहो तो दूसरा कर लो, उसके लिए भी यहां पे बोल्ड लिखना पड़ेगा, यहां पे बोल्ड को क्लोज करना पड़ेगा, इधर बोल्ड लिखना पड़ेगा, इधर क्लोज करना पड़ेगा, क्लियर। तो मैंने खाली पहले वाले को करके दिखा रहा हूं आपको, सेव कर दिया, इसको कराया रन, तो देखो पहला वाला आ गया बोल्ड, क्लियर। इसको आप देखो, अब इसको मिल्क को आप इटैलिक में कर सकते हो, आई यहां पे इटैलिक क्लोज कर दिया आपने। देखो अब यहां पे क्या है, टैक्स को कंबाइन किया जा रहा है, अलग अलग टैक्स का जो काम है वो एक साथ कंबाइन किया जा रहा है। सेव कर दिया, रन कराया, देखो ये था बोल्ड में, ये आ गया इटैलिक में। आप ये कर सकते हो, देखो पूरा का पूरा यहां पे बोल्ड ओपन है, बोल्ड यहां पे क्लोज ही मत करो, तो बोल्ड और यहां पे ना इटैलिक करो, यहां से इटैलिक हटा दो, बोल्ड को यहां पर क्लोज करो, ओके। बोल्ड को इधर क्लोज किया है, तो क्या होगा, जितने भी ये सारे आइटम्स हैं, ओके, कॉफी टी मिल्क जूस, भाई बोल्ड की जो अब जो रेंज है वो बढ़ गई है ना, तो वो सारे के सारे बोल्ड में आ जाएंगे। देखो बोल्ड में आ गए ये सारे के सारे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि टैक्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, उनकी रेंज बढ़ा सकते हो, जहां जितना डेटा इंक्लूड करना चाहते हो वो इंक्लूड कर सकते हो, समझ में आ गया। अनऑर्डर लिस्ट हो गए, अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, वो भी अनऑर्डर लिस्ट की तरह ही होती है, बट ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसमें जैसे डिस्क या स्क्वायर बन के नहीं आते डेटा, जो डेटा आता है वो आता है अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में, ठीक है। देखो तो ऑर्डर लिस्ट के दो एट्रीब्यूट ध्यान रखना, एक स्टार्ट और एक टाइप, ओके। तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप लिस्ट है वो लिस्ट की स्टार्टिंग कौन सी पोजीशन से करना चाहते हो, ठीक है, सेकंड से, थर्ड से, ठीक है, तो स्टार्ट में देना है वो। नॉर्मली वन से करते हैं हम, कोई भी लिस्ट होती है भाई पहला आइटम को हम वन नंबर ही तो देते हैं, और सेकंड आता है टाइप। तो टाइप में क्या आता है कि किस टाइप की लिस्ट बनानी है आपको, जो उसके जो सीक्वेंस है
उसके जो नंबर मिलेगा वो किस टाइप का होगा वो यहां पे देते हैं हम। तो एग्जांपल देखो ऑर्डर लिस्ट का, इसे ओपन करते हैं नोटपैड में। अब सिंपल ये देखो, ये मैंने नीचे वाली लिस्ट को इग्नोर करो, ठीक है, अभी इस लिस्ट को इग्नोर करना है आपको, खाली ऊपर वाली लिस्ट देखनी है जो ऑर्डर लिस्ट है। यहां पे टाइटल में अनऑर्डर लिखा हुआ है, इसे ऑर्डर कर दिया हमने, हेडिंग दे दी बेवरेजेस। अब इसके बाद देखो ऑर्डर लिस्ट में मैंने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया है, सिंपल एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है। तो इसका खाली ऊपर वाला आउटपुट देखो, इसको कराते हैं रन। तो देखो ऊपर वाली क्या आ रही है, बेवरेजेस, और बाय डिफॉल्ट 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। ओके, अब इसके एट्रीब्यूट्स के साथ देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं अब। ओके, क्योंकि ये इजी थी। अब पूरी की पूरी एट्रीब्यूट्स के साथ देखो, ये बेवरेजेस हेडिंग लिख लिया मैंने, ओएल टैग लगाया, स्टार्ट करा 1 पर, ठीक है, और टाइप दे दिया ए। तो ये कॉफी टी मिल्क ये आएंगे ए टाइप के, और इस पोजीशन होगी 1 से स्टार्ट। इसको कराते हैं रन, ये देखो ये आ गया एबीसी से आ गया, और बेवरेजेस। अब मैं यहां पर देखो टाइप चेंज कर देता हूं, स्मॉल ए कर देता हूं, तो जो नंबरिंग होगी वो कहां से आएगी, ये देखो स्मॉल एबीसी हो गई, ठीक है। तो नंबरिंग चेंज हो जाती है, नंबरिंग चेंज मीन जो उनकी जो स्टाइल है वो चेंज हो जाती है, क्लियर। जैसे भी आप यहां पे स्टाइल दोगे, अब मैं यहां पर ए के बजाय मैं यहां पे दे देता हूं स्मॉल, ये इस तरीके से आई दे दिया, रोमन नंबर में दे दिया। ओके, तो अब इसको मैं फिर से रन कराता हूं, तो देखो रोमन नंबर्स में आ गया स्मॉल आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इस तरीके से चौथा आइटम भी अगर होता तो भी आ जाता। यहां पे मैंने फोर्थ आइटम दे दिया जूस। ओके, इसको कराते हैं रन, तो देखो फोर्थ आइटम आ गया जूस इस तरीके से। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब स्टार्ट वाला देखो, अभी बाय डिफॉल्ट कहां से आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आ रहा है। मैं यहां पे 5 लिख देता हूं, तो जो लिस्ट होगी ना वो 5 से स्टार्ट होगी। 5 लिख के रन कराया, तो देखो 5 6 7 8, ये चीज क्लियर है। स्टार्ट टाइप का, स्टार्ट जो एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है, टाइप एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। ओके, ऑर्डर लिस्ट क्लियर हो चुकी है आपको। अब देखते हैं हमारी थर्ड टाइप की लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, जैसे हमें टर्म्स लिखने हैं उन टर्म्स की डिफाइन लिखनी है, तो हम उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको 3 टैग्स ध्यान रखने हैं, डीएल डीटी डीडी, ये तीनों ही जो है ये टैग्स यूज होंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने में। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखो। अब आप ऑर्डर लिस्ट क्लियर हो गई थी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को पहले प्रोग्राम आउटपुट देखो। पहले देखो जैसे मैंने ये डिफाइन लिखी है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये डिफाइन, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक फॉर्मेट कैसे बनाना है, तो वो क्रिएट होगा हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। तो मैं ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का प्रोग्राम देखते हैं अब। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल से स्टार्ट होगी और इधर डीएल पर क्लोज होगी, ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिख देते हैं टाइटल, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना रहे हम। डीएल से स्टार्ट हुई और डीएल पर क्लोज हुई। अब डीटी के अंदर आएगा जो भी डिफाइन का नाम है, उसके बाद डीडी लिखना है जो भी उसकी डिफाइन है, फिर डीटी जो भी डिफाइन का नाम है, फिर उसके बाद डीडी जो भी उसकी डिफाइन है। डीटी मींस डिस्क्रिप्शन टर्म, यानी कि जो डेफिनेशन टर्म है, और डीडी मींस डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डिफाइन का डिस्क्रिप्शन। ओके, और डीएल का मीन्स डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्लियर हो गई ये चीज। अब हमें देखो कुछ नहीं करना है, ना मैंने यहां पे बीआर टैग लगाया है किसी के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइंस में आ रहा है
है ना। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट लगी हुई है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अगर मेरे को वैसे लिखना होता, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज नहीं करता, तो मेरे को बीआर टैग लगाना पड़ता, और भी ना जाने क्या कौन कौन से टैग लगाने पड़ते जिससे ना जाने स्पेस यहां पे छूटता, ठीक है, क्योंकि स्पेस तो काउंट ही नहीं होता ना। जैसे मैं यहां पे ये कर दूं, देखो मैंने 5 का गैप दिया है, इतना सारा गैप दे दिया मैंने, इसको कर दिया सेव। ओके, अब इसको मैं कराता हूं रिलोड, लेकिन फिर भी प्रोग्राम वैसा का वैसा है। अब देखो मैं यहां से कर देता हूं एक बार, और देख लो वन हु कैलकुलेट्स, क्या इसके बीच कोई भी गैप आ रहा है? कोई भी गैप नहीं आ रहा है, जबकि मैंने यहां पे गैप दिया गया है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि गैप मैं अगर देता, अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखता, यहां पे लिख देता कंप्यूटर, फिर बी आर लिखता, फिर गैप देता, फिर ये लिख देता, फिर बी आर देता, फिर ये लिख देता मॉनिटर लिख देता, फिर बी आर देता यहाँ पे, फिर गैप देता, फिर ये लिख देता, उसके बावजूद भी ऐसा आउटपुट नहीं मिल पाता मेरे को। क्लियर हो रहा है? जैसे मैं देखो इसको देखो, जैसे कंप्यूटर लिखा, ओके, उसके बाद मैंने बी आर लगा दिया, उसके बाद मैंने इतना गैप दे दिया, फिर मैंने लिख दिया वन हु कैलकुलेट्स वाली लाइन लिख दी, फिर मैंने बी आर लगा दिया ताकि अगली लाइन में आ जाए, फिर उसके बाद मैंने मॉनिटर लिखा, ओके, फिर मैंने बी आर दिया ताकि अगली लाइन में चले जाए प्रोग्राम, फिर मैंने गैप दिया इतना, यूज्ड टू वाली लाइन लिख दी मैंने, ओके। तो अब इसका आउटपुट ऐसे ही तो आना चाहिए लॉजिक के हिसाब से, देखो जैसा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का आ रहा है। सेव कर देते हैं, रन कराते हैं, तो देखो नहीं आ रहा ऐसा, ओके, गैप दिया फिर भी नहीं आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन, जब आपको डिफाइन लिखनी हो और डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करना है। क्लियर? तो अब इसका आउटपुट ऐसे ही तो आना चाहिए लॉजिक के हिसाब से, देखो जैसा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का आ रहा है। सेव कर देते हैं, रन कराते हैं, तो देखो नहीं आ रहा ऐसा, ओके, गैप दिया फिर भी नहीं आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन, जब आपको डिफाइन लिखनी हो और डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करना है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई, तो अब हम देखते हैं फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का क्या यूज है? फॉन्ट टैग का यूज ये है कि जहां पर भी आप फॉन्ट टैग लगा दोगे, ओके, तो जो भी फॉन्ट टैग की रेंज होगी, उस पूरी रेंज में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ होगा, वो फॉन्ट टैग के हिसाब से वर्क करेगा। मतलब उस टेक्स्ट का साइज, उसका कलर और उसका स्टाइल, ये सारा इस फॉन्ट टैग के हिसाब से वर्क करेगा। अब देखो इसका यूज कैसे करना है। जैसे फॉन्ट टैग का प्रोग्राम ये है, इसका आउटपुट देखते हैं पहले। तो देखो अब ये किस कलर में आ रहा है? ये आ रहा है हमारा रेड कलर में। इसका फॉन्ट स्टाइल भी देख लो आप, ठीक है, साइज भी देख लो आप। अब मैं इसका प्रोग्राम दिखाता हूं आपको, ओपन कर लेते हैं नोटपैड में। इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, फॉन्ट टैग लिख देते हैं, ओके। तो देखो अब मैंने क्या करा हुआ है, पैराग्राफ टैग लगाया हुआ है, इस पैराग्राफ टैग के अंदर फॉन्ट टैग दिया हुआ है। पैराग्राफ टैग का क्या यूज है? जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो आप पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकते हो, उसके ऊपर एक लाइन छूट जाएगी, उसके नीचे एक लाइन छूट जाएगी। क्लियर? अब पैराग्राफ टैग के अंदर फॉन्ट टैग दिया हुआ है, तो मतलब जो भी ये जो टेक्स्ट है उसका साइज इतना होगा, कलर इतना ये होगा, और जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो सेंचुरी वाला होगा, ओके। तो इसका आउटपुट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अब देखो मैं साइज बड़ा करता हूं इसका, मैंने इसका साइज कर दिया 7, पहले 3 था, ओके। सेव कर देते हैं, रिलोड करते हैं इसको, देखो साइज 7 हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, अगर बड़ा टेक्स्ट चाहिए आपको आउटपुट में, तो आपको क्या करना है, सिंपल साइज बड़ा कर देना है, फॉन्ट टैग के अंदर लिखना है उस डेटा को, फॉन्ट टैग इधर क्लोज, एट्रीब्यूट्स इधर, जो ओपनिंग टैग होता है उसी टैग में ही तो एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं, एक एक गैप देकर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। कलर देखो मैंने रेड दिया हुआ था, कलर मैं कोई भी दे देता हूं, ग्रीन दे देता हूं। सेव करते हैं, रन कराया इसको, तो देखो ग्रीन कलर आ गया। अब इसका फॉन्ट स्टाइल देखो अलग है। अब मैं इसका फॉन्ट स्टाइल 3
थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो पहले अभी फॉन्ट स्टाइल मैंने सेंचुरी टाइप की ले रखी है, तो अब मैं यहाँ पे कैलिब्री कर देता हूँ। ओके, इसको सेव करता हूँ, रिलोड कराया तो देखो स्टाइल चेंज हो गई। तो आप अलग अलग स्टाइल दे सकते हो आप। अब आपको अलग अलग फॉन्ट फेसेस कहाँ से निकालने हैं, तो नोट पैड में फॉर्मेट पर जाओ, उसके बाद फॉन्ट पर जाओ, यहाँ से देख लो, नाम देख लो, ठीक है, कैलिब्री, कैम्ब्रिया, कैम्ब्रिया मैथ, ये अलग अलग नाम आप दे सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने कॉन्सोलस ले लिया, ठीक है, तो अब मैं एक और लाइन लिखता हूँ इसी फॉन्ट टैग की, उसमें मैं कॉन्सोलस वाला फेस दूंगा। साइज मैंने अलग ले लिया, साइज मैंने कर दिया 4, कलर वही छोड़ देता हूँ, कॉन्सोलस लिख देता हूँ। ओके, फॉन्ट फेस अलग कर दिया, तो ऊपर का द टॉपर्स लिखा हुआ आएगा कैलिबरी में, नीचे का लिखा हुआ आएगा कॉन्सोलस में। ओके, देखो अब इसको कराते हैं रन, तो देखो साइज अलग आया है और फॉन्ट स्टाइल भी अलग आई है। मैं कंपैरिजन कर देता हूँ, इसका साइज बराबर कर देता हूँ इसके। अब इसको करते हैं रन, ठीक है, तो देखो इसका आर देखो और इसका आर देखो अलग अलग है, इसका दा देखो ये अलग अलग स्टाइल में है, क्लियर। इसका पी देखो कैसा है और इसका पी देखो कैसा है, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग है लेकिन एक ही लाइन में आया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही लाइन के बीच मैंने बी आर टैग नहीं लगाया। ओके, तो मैंने बी आर टैग लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, रन करते हैं इसको, रिलोड करते हैं, यहाँ पर अलग अलग लाइन में आ गया। तो दोनों अब आपको अच्छे से कंपैरिजन दिख रहा होगा कॉन्सोलस और कैलिबरी के बीच। तो अब देखो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, तो इस तरीके से अगर आपको आउटपुट चाहिए तो हम यूज करेंगे किसका, सबस्क्रिप्ट का। अगर पावर में आउटपुट चाहिए तो हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का। तो ओवरऑल कहा जाए केमिकल इक्वेशंस के लिए हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट और मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपने आउटपुट देख लिया, हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, ऐसे आउटपुट हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे तो नहीं आता है। ओके, वो एक ही लाइन में आता है। तो आप देखो मैं आउटपुट दिखा देता हूं पहले आपको, ये देखो ये आउटपुट आ रहा है, केमिकल इक्वेशन ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन ये इस तरीके से लिखा हुआ है। नॉर्मल अगर हम लिखेंगे H2O तो वो तो एक ही लाइन में आएगा, जैसे देखो मैं और लिख के दिखाता हूं आपको। ओके, तो आपको इजीली अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अभी सब कुछ इग्नोर करो, मैंने ऐसे लिखा है H2O, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना 2 को ऊपर 2 को नीचे दिखाने के लिए। अब इसको मैं कराता हूं रन, तो देखो H2O कैसे लिखा हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम, लेकिन हमें चाहिए आउटपुट, आउटपुट कैसा चाहिए ऐसा, तो क्या करना है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लगाना है। सिंपल पैराग्राफ ले लिया मैंने, इन पैराग्राफ के अंदर ये सारा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग का जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये सारा का सारा डेटा पैराग्राफ टैग का है। ओके, लास्ट में बी आर टैग लगाया हुआ है, हर लाइन के बाद बी आर टैग लगाया हुआ है, दिख रहा होगा। केमिकल इक्वेशन लिख दिया, अब केमिकल इक्वेशन देखो, आउटपुट देखो इसके साथ के साथ, देखो स्क्रीन को इसके बराबर में ले आता हूं मैं, देखो अब केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, तो ये केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ आ रहा है। अब उसके बाद H लिखा है, ठीक है, H लिखा है तो इसका मतलब ये H नॉर्मल है। अब 2 हमें कहां चाहिए, नीचे चाहिए ना, तो 2 को हम मैंने लिखा है सबस्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, देखो ये सबस्क्रिप्ट क्लोज, तो 2 जो होगा वो नॉर्मल लाइन से नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहां पे देखो आ रहा है, आ गया। अब O तो ऊपर ही नॉर्मल लाइन में चाहिए, तो O वैसे ही लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, CO लिखा। अब 2 फिर से मेरे को नीचे चाहिए, 2 नीचे चाहिए ना, तो फिर से सबस्क्रिप्ट लगा दिया मैंने 2 के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई केमिकल इक्वेशन वाली लाइन। अब आते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन वाली लाइन पर, तो मैथमेटिकल इक्वेशन ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद बी आर टैग लगाया, इसके बाद एक्स स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो 2 कहां पर है, एक्स के ऊपर है ना, तो 2 को लगा दिया मैंने सब मतलब सुपर वाली स्क्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट, तो इस तरीके से लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाया, फिर वाई लिख दिया, फिर 3 लगाना है मेरे को, कहां पे लगाना है, वाई के ऊपर लगाना है ना, तो 3 को लिख दिया वाई के साथ इस तरीके से, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर। क्लियर हो गई ये चीज, पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, बहुत इजी था। कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो, चाहे मैथमेटिकल इक्वेशन हो चाहे केमिकल इक्वेशन हो, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो।
क्लियर हो गया ये चीज, आउटपुट देख, आउटपुट आपको देख ही रहा है, ठीक है। ये देख लो फुल स्क्रीन पर, सेंटर में इसलिए आया है ये आउटपुट, सेंटर में इसलिए आया है क्यों, क्योंकि मैंने जो है सेंटर टैग मतलब जो अलाइनमेंट है वो मैंने सेंटर अलाइनमेंट दिया हुआ है, देखो मतलब मिडिल वाला अलाइनमेंट दिया हुआ है, इस वजह से। क्लियर हो गया, लेफ्ट दे दो, मिडिल दे दो, राइट दे दो, सेंटर दे दो, सेंटर और मिडिल बात एक ही है। क्लियर हो गई ये चीज, तो बेसिक एचटीएमएल यहाँ पर फिनिश होती है। अब हमारे पांच ऐसे इंपॉर्टेंट टैग्स बचे हैं जिनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वो पांच इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, इमेज टैग, उसके बाद एचटीएमएल में फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, ऑडियो और वीडियो कैसे लगाते हैं, एंकर टैग, ओके, और उसके बाद टेबल टैग। तो ये पांचों के पांचों टैग्स, इनके जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाइए और जाके देखिए। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा।